जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी को वृंदावन धाम से हमारी प्रेम भरी श्री राधे राधे। आज हम आपको दर्शन कराने लेकर आए हैं वृंदावन परिक्रमा मार्ग में स्थित मदन मोहन जी मंदिर के। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, यह बहुत ही प्राचीन मंदिर है। लगभग 500 वर्ष पुराना यह मंदिर। कभी इस मंदिर के पास से ही हमारी यमुना महारानी जी बहती थी, जो कि आज बहुत ही दूर चली गए। इस मंदिर से लगभग 500 मीटर, 1 किलोमीटर के आसपास है। आपको इस वीडियो में वो भी दर्शन कराएंगे, तो आप इस वीडियो में मदन मोहन जी के इतिहास के बारे में भी जान पाएंगे। तो समय खराब ना करते हुए करते हैं मदन मोहन जी के कथा शुरू, इतिहास का वर्णन। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि चटोरे श्री कृष्ण या चटोरे मदन मोहन भगवान को इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब ये सनातन गोस्वामी के साथ में रहते थे तो इन्हें प्रतिदिन नया नया व्यंजन पसंद था, और सनातन गोस्वामी को ये प्रतिदिन नए नए व्यंजन बनाने के लिए कहते थे, तो इसलिए इनका नाम चटोरे मदन मोहन के रूप में पड़ गया। मदन मोहन का यह मंदिर बहुत ही प्राचीन है, जैसे कि आप सभी देख ही रहे हैं। यहाँ के सेवायत पुजारी बताते हैं कि मदन मोहन जी यमुना जी से प्रकट हुए थे, यमुना जी से उनका जन्म हुआ था। एक बार किसी एक चोबे की पत्नी यमुना में स्नान करने आया करती थी, तो एक दिन चोबे की पत्नी को मदन मोहन पानी में खेलते हुए मिले। उन्होंने कई आवाज़ें लगाई लेकिन आवाज़ सुनकर कोई नहीं आया। तब चोबे की पत्नी ने मदन मोहन को अपनी गोद में ले लिया और अपने घर ले आई। आपको संपूर्ण जानकारी मदन मोहन मंदिर की हमारे दूसरे चैनल पर मिल जाएगी। संपूर्ण कथा आप उस वीडियो में जान पाएंगे जिस चैनल का नाम है राधा माधव ज्ञान है। आप सर्च भी कर सकते हैं और लिंक हमारा इस चैनल के अंदर भी मिल जाएगा। और अभी आप जो दर्शन कर रहे हैं, देखिए कितने खूबसूरत दर्शन हमारे मदन मोहन जी के मंदिर के हो रहे हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो आगे शेयर भी कीजिएगा ताकि और लोग भी दर्शन कर पाए। आप सभी देख ही रहे हैं कि हमारी यमुना महारानी अब कितनी दूर स्थित है हमारे मदन मोहन जी के मंदिर से। यमुना महारानी की जय हो। देखिए कितना खूबसूरत यह नज़ारा हमारे मदन मोहन जी के मंदिर से वृंदावन धाम का आप सभी देख रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा जरूर। जय जय श्री राधे।